आज शेफ अरीब और उनके भाई इफ्तारी बनाएंगे। हम जैसी मर्जी इफ्तारी करें, जैसे तुम लोग ऐसे मर्जी इफ्तारी करते हो, हम खाते हैं ना गंदी मंदी। पोटैटो फ्राई करनी है, चिप्स बनेंगे, कुचर बनेगी, बस ये चीजें बनेंगी। ये घूमी जा रहा है पागल है ये। वही ध्यान से अरीब बेगम, तुम बहुत मेहनत करती हो तो लड़की की आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। बेगम तुम बहुत मेहनत करती हो, थकान दूर होगी तो क्या काम खजूर से जूट डालनी, जो चीनी चीनी डालनी, बाकी मना हो गया। ये क्या मेन काम है? क्यों चुप क्यों करा रहे हो? अल्लाह माफ करे अरीब, व्हाट इज दिस? आज का दिन शुरू हो चुका है, लेकिन इफ्तारी से थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोगों ने अभी जाके नीचे बनानी थी इफ्तारी। लेकिन आज का जो सीन है वो कुछ हम लोगों ने चेंज किया है। सीन ये किया है कि हम लोग इफ्तारी मैं और भाभी नहीं बल्कि भाई और अरीब से बनवाएंगे। तो मेरे आज के ब्लॉग के टाइटल और इंटर से आपको पता लग ही गया होगा, मैं पहले से दिमाग में सोच के बैठी होती हूँ कि आज इन दोनों मर्दों से काम करवाना है हम लोगों ने। खैर दिन बड़ा अच्छा शुरू हुआ, मैं फ्रेश हो गई, बड़ी लाल कबूतर लाल सेब बन के आ गई हूँ और नमाज वगैरह पढ़ी थी। अब जो है वो चलेंगे नीचे। पहले तो मैं अरीब को कमरे पे में से जाके उठाऊंगी कि चले साहब जरा नीचे, आप जो रोजा रख के सुस्ता रहे हैं ना, तो जरा नीचे जाके किचन पे थोड़े काम शाम करें। औरतों के हाथ नहीं बटाने, दोनों मर्दों ने ही सिर्फ काम करना, बिना कि नीचे भाई को भी शौक मिलने वाला है। तो अभी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूं, तो क्या हाल है? रोजा कैसा जा रहा है? सही जा रहा है, इफ्तारी करवाओगे अच्छी सी, मजा आएगा। इफ्तारी करनी है, आग लग जाए रोजे को, है बहुत अच्छी इफ्तारी चाहिए। हाँ, तो आए नीचे, आपको एक जबरदस्त शेफ के हाथों की इफ्तारी करवाऊंगी आज। मतलब आपको क्या लग रहा है कौन शेफ? मैं, मुझे इतने प्यार से ना देखें, मैं ही हो सकती हूँ शेफ। लेकिन अभी फिलहाल आप उठे तो आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है ना अरीब, उठे तो सही। उठ गया। हाँ चले आए नीचे, अब जरा चले। और आज शेफ अरीब और उनके भाई इफ्तारी बनाएंगे। मेरी इफ्तारी कहीं और है, मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब, क्या मतलब अरीब, आपकी इफ्तारी कहीं और है? कहाँ जा रहे हैं? नीचे तो आप जा ही रहे हैं, उधर से घसीट के आपको मैंने अंदर कर दिया। भाई भाग जा, मैं अभी जा रहा हूं। भाई भाग जा, फंसने लगी है, चुप कर के जल्दी से भाग जाओ। क्यों भाई को भगा रहे हैं आप? भाई जान भाग जाओ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं मना, खुद बनाना पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है भाई? हुआ कुछ यूँ है भाभी, एक मिनट बाहर आए। बाहर आपके लिए गुड न्यूज है। हाँ बाहर आए। आप क्या बना रही थी आज? अभी तक कुछ बनाया तो नहीं ना? चीजें अभी कुछ नहीं ना बनाई। बस ठीक है, फिर आज हमें मिलने वाली है आपके हस्बैंड के हाथ की और आपके देवर के हाथ की स्पेशल इफ्तारी। यानी कि हम आज रोजा नहीं खोलेंगे। चाय भी नहीं बनाई है अपनी बेगम के लिए? कभी नाश्ता नहीं बनाया आपने? मुंह बनाया करते हैं ये, हम इनको छोड़ जाते घर और खुद बनता तो वैसे यही है। अल्लाह की तरफ से मैं समोसे लेकर आया हूँ, बाहर से लेके आए। नहीं भाभी, आप चाहती हैं, हम दोनों ने आज करना है सिर्फ रेस्ट। हम दोनों बाहर बैठेंगे, इंतजार करेंगे क्या ये टाइम से पहले नहीं नहीं यहाँ पे इफ्तारी लेके आएंगे ना, ये लोग बनाएंगे किचन में, तो मैं इनका से व्लॉग बनाऊंगी। इतना बड़ा मुश्किल काम करनी जितना तुम कह रही हो, दो मिनट काम में चीजें फ्राई हो जाती है। अच्छा है, पागल है तुम क्यों? इफ्तारी करनी है ना, हम जैसी मर्जी इफ्तारी करें, जैसे तुम लोग ऐसे मर्जी इफ्तारी करते हो, हम खाते हैं ना गंदी मंदी। अल्लाह अब ये देखो कितना चिल्ली। हाँ भाभी गंदी चीजें बनाती है। दो सालों में मैं बीवी होके वो नहीं करा सकी जो इकरा ने करा दिया है। छोटा सा काम है मेरे पास, आप कटिंग करना, मैं फ्राई कर लूंगा चीजें, दस चीज ऐसे बन जानी है। आसान ही है, क्या करना है, क्या बनाना है, मैं बना के देता हूँ। चलो मेरे हस्बैंड ने तो हम ही बना। फ्राई करनी है, चिप्स बनेंगे, फ्रूटर बनेगी, बस ये चीजें बनेंगी। ठीक है ठीक है, आज बना ही रहे हैं तो फायदा ना उठवा। चने की चाट भी बनाओ। चने की चाट, चने की चाट पता नहीं वो चीजें नहीं बनेगी। चने की चाट बनवाएंगे, चने की चाट चाहिए। हाँ चलो आपको मिल जाएगी चने की चाट, बस बात खत्म। मैं सिखा दूंगा ना किस तरह करना है। कोई नहीं, किस तरह मर्जी करेंगे, इन्होंने इफ्तारी करनी है ना, इनको इफ्तारी चाहिए। चैलेंज हमारा, हमने करके दिखाना है। बस बेगम आपने ये नहीं कहना कि मेरे, तो मैं आपने ये कह दी, यही काफी मेरे लिए। अरे
दिलीप और भाई चले गए किचन में, कटिंग बोर्ड किसी के हाथ लग चुका है, चुड़ी का है ये कुछ और चीज है भाई। ये चने दा, ये बिल्ली की खिचड़ी का सामान है ये नहीं पता था रीव, लेकिन ये नहीं ये आलू छीलेगा ठीक है भैया, आलू छीलने ये आ गया, वो देखो प्रोफेशनल होने लगा आलू छीलने, आलू देखो भाई को कटर ही नहीं यूज करना, क्या हो गया यार ये देख अरीब को सारा कुछ आता है ना, मैं वो जा रहा हूँ वेरी चला काट के तो फिर मैं आ रहा हूँ ठीक है यार, ये घूम ही जा रहा है पागल है ये इसका मतलब है ये नया लाने की जरूरत है। भाभी आप अपने देवर की हेल्प नहीं कर सकती हैं, आप किस खुशी में किचन में गई हैं, बाहर रहे बाहर रहे। देवर सैंडविचेस बनाऊंगा म्यूनिस वाले, मायनीज सैंडविच के साथ ठीक है, ये मायो आपने बनाई है, ये काम ही और क्या नहीं है, ये देखा आपको मुश्किल काम दिया रीव ने खुद देखो, सिर्फ ये चाहिए ना आप लोग सवाल ना करो, तारी बना रहे बातें सुनने पड़ी है, देखो जरा लड़के बनवाए ना जरा लड़कों को क्या लगता है की किचन का काम बड़ा आसान है, आज करना पड़ेगा ना पता लगेगा टैलेंट भाभी कह रही है जनाब जी कल के लिए भी काट भाभी ने अगले 30 रोज होगी पूरे करवा दे क्या बना रहे आप पतासा आलू आपने बड़ी अच्छी वैसे वाह माशाल्लाह, और क्या करना है साथ फ्रूट चाट होती है, चना चाट बनानी है, चना चाट मैं नहीं बना रहा, चना चाट बाहर से आएगी क्या मतलब, वो नहीं बनती मेरी चना चाट, फ्रूट चाट बनानी, फ्रूट काटने हैं करना है, फ्रूट काटना शुरू करते हैं, हम लोग बाहर के काम भी करते हैं, आप लोग बाहर के काम थोड़ी करते हैं, ये सामान ला दो वो सामान ला दो ये कर दो वो कर दो, वो किस खाते में आता है, हमें ड्राइविंग नहीं आती, अगर हमें आती होती तो हम भी बाहर के काम करते हैं, पतासा आलू बन गए, पतासा आलू रेडी है, चले इसको निकालें, अभी थोड़े से गोल्डन नहीं हुए, लेकिन भाई के अभी तक आलू इतने ही हुए, हाँ जी एक से दो किलो की फ्रूट चाट बनानी है, क्या फ्रूट चाट के लिए क्या फ्रूट निकाला है, सामान निकाल दो ना, कितना क्या क्या डालना, मुझे क्या पता क्या क्या डालना, अल्लाह की कसम दो केले एक से भी आपने केले नहीं खानी है, पहले यहाँ पे लगे हुए माशाल्लाह, वैसे रीम मेरा तो हस्बैंड माशाल्लाह प्रो मैक्स प्रो है, ये क्या क्या कर रहा है, पीछे हो तंग ना करो, जाओ मेरे किचन से निकलो, हमारे किचन से आप फ्रूट की कटिंग शुरू करो, मैं आ रहा हूँ ठीक है, पकड़ मैं बाकी चीजें भी दे रहा हूँ, लेकिन उससे पूछे तो सही है दो केले एक सेब की क्या कटिंग होती है, मैं और चीजें दे रहा हूँ भाभी, और चीजें तो निकाल दे भाई, भाभी क्यों निकाल के दे, मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, सेब कैसे काटते हैं, सेब जैसा हमें चिप्स काटते हैं, वैसे चिप्स काटते हैं, वो भी इसके साथ फेर फेर के डालूंगा, नहीं नहीं छिलके चाहे ना हो, हाँ उसको उतार लो, उसको उतार लो बेहतर है, इजी है ये, ड्रिंक कौन बना रहा है जामे श्री वाला, वो मैं बना दूंगा, हाँ वो मैं बना दूंगा, और मुश्किल काम क्या है, बस ये जो मैं कर रहा हूँ आलू पक गया ना, भाभी क्यों बताएं जरा, मैं बताती हूँ आपको जरा, अरीब बिस्मिल्लाह, हाँ हो गए फ्राई, मजे के फ्राई हो गए, लेकिन ये तवा क्यों को क्यों खिला रहे हो, है इतने एक्सपर्ट होना चाहिए, देखे जैसे लड़की को बोल रोटी बनानी आनी चाहिए, ऐसे लड़का को चिप्स बेलना आनी चाहिए, यहाँ पे भाभी ने पहले रेडी किया हुआ, अल्लाह ये भाभी ने पहले जो रेडी किया हुआ है वो पकौड़ों का मटेरियल है, लेकिन आपने जो है ना वो पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, अभी एक मिनट पहले वो तो बाकी थोड़े से रह गए, एक हाथ से अब पतासा आलू करेंगे और एक हाथ से भाई को जाके आप लोगों ने आपने वही ध्यान से अरीब, देखो जरा ये मुझे बड़ी बातें कर रहा था, अरीब आप तो सारा चूल्हा गंदा कर रहे हो, अल्लाह क्या किया ये, मुझे इतना मजा आ रहा है भाभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत मजा आ रहा है ना, कल तो पूछूंगा कल जब हमारी बारी आएगी, हेल्प आपकी कर ही देती हूँ, इसको ऐसे एड्रूम करके काटना है, हाँ राउंड ये गुड गुड, बस आपने वो देखना उसको वो पक जाए ठीक है, मैं अभी कटिंग कर देता हूँ, बाकी की फ्रूट कटिंग जो है ना वो सारी एक दो केले काट के कह रहा सारी मैंने काट दी, रीब साहब की कटिंग जारी है, रीब आपने मेरी निंजा टेक्निक नहीं एक देखी थी, वो चम्मच भी मेरा कांटा से यूं मिला दो मसाला नहीं होएगा, आप कांटा इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो गया, तो हाँ वैसे मिक्सर ही है, ठीक है ठीक है, भाई ने जो है ना वो बना लिया भाई रूह अफ़ज़ा मीठा जो है वो सारी के बाद टेस्ट करके बताएंगे कि कितना परफेक्ट बना, आलू चने मंगवा लिए, आलू चने हम नहीं बना सकते, आलू चने कहाँ से मंगवाए आपने,
हाँ बाहर का तो खाना लाओ ही नहीं था, एक डिश मंगवा ली, कोई डिश लाओ चलो। हाँ वो अच्छी बात है, वो एक डिश से तो हमने पेट भरना है, बाकी तो खाया थोड़ी जाना। अब तो आती है बातें, और ये जब कुछ लोग मेरे बनाने में मुझे बातें कर रहे थे ना कि वही बातें वापिस आ रही है, इंजॉय करे इंजॉय। मैंने कितना अच्छा सेव काटा, मुझे इस चीज की खुशी हो रही है, खुद को लगा था उसके साथ की है, ये कटर से छीटा है, बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है उसको। अब देख लो मैं आपसे रोज कटवाती हूँ। लड़का जब मुंह से ये कहना कि नहीं मेरी बेगम तुम बहुत मेहनत करती हो, तो लड़की की आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती। बेगम तुम बहुत मेहनत करती हो, थकान दूर होगी तो काम। चले जब गाइस देखते हैं इनकी फ्रूट चाट कैसी बनती है, अभी तक कोई काम ही नहीं खराब कर रहे, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कुछ बनाएंगे, लेकिन यार भाई भी प्रो मैक्स निकले और अरीब साहब तो डबल प्रो, बीवियों को ताकि पता ना हो इनको काम आता है, इनको आगे ना कर दे। अरीब साहब ने जो है ना काट दिया सारा फ्रूट, भाभी जो उसको बनाना ना जिस तरह कुछ डाल के मिक्स करके जो खजूर और स्ट्रॉबेरी डालनी है बस वो डाल ले, बाकी सारा मैंने कर दिया है, सारा काम मैंने खुद किया है, समझ आई, काट कटिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। देखा ये निशान नहीं पड़ा मुझे, हाय दिखाओ। हमने सॉरी हमने वो मिक्स करके वो बना ले, जो बनाता है खजूर शजूर डालनी, जो चीनी शीनी डालनी, बाकी बना हो गया ये कर दो, मेन काम कटिंग मेन काम नहीं, अब ये मेन काम हो गया। अल्लाह तौबा, हर दो मिनट बाद मेन काम निकला था तुम्हारा, मेन काम सब कुछ कर लिए, पहले कहती कटिंग मेन काम यही तो मेन काम है, यही तो मेन काम है, मसाले मिर्च ये तो देख रहे होते हैं ना, बाकी अभी क्या बताऊं, ठीक है फ्रूट काट के कह रही है। हाँ खाली फ्रूट क्या, वो तो कोई भी काट लेगा भाई, यहाँ आज मैं आपके साथ नहीं हूँ, आज मैं भाभी के साथ हूँ। अरीब कितना काम हो गया, रोजा इफ्तार होने वाला है, जल्दी करे, क्या रह गया है, थोड़ा सा मान लगे, सबर कर लो, पसीने से मेरा बुरा हाल हो रहा है, तो बुरा हाल हो रहा है, अभी तक आपकी चीजें ही नहीं फ्राई हुई है, आधी हो गई, आधी से ज्यादा हो गई, जितना इफ्तारी खोल सकते हो तुम लोग इतना इफ्तारी खोल सकते हो, छानना भी होता है पागल, छानना कैसे हो, तो है घी के अंदर आ गया, साफ हो जाएगा, नहीं साफ होगा, अरीब उसको छानना होता है इसको, इतना तो मुझे पता है। अच्छा अरीब सिर्फ आलू पतासा से हमने इफ्तारी थोड़ी करनी है, कोई और चीजें भी तो होनी चाहिए यार, वेयर इज फ्रूट चाट, उसके अंदर मटेरियल तो डाला ही नहीं है आपने, फ्रूट चाट दे दिया भाभी को डालने के लिए, वो बना रही है, सैंडविचेस बने पड़े हॉट पॉट में, ठीक है, और क्या है, और क्या है, कुछ भी नहीं, और सैंडविचेस पटासा आलू भी आ गए हैं, पटासा आलू भी आ गए, सैंडविच सारा सामान हो गया, बस पकोड़े रह गए, बाकी सब कुछ सेट है। अरे पीछे देखिए टाइम क्या हुआ, अभी है, बस होने लगा, बैठो रोजा खोलो, मैं आ रहा हूं, जल्दी 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 गाइस, हम मैं आपको दिखा दूंगी, ये हमारी जो टेबल है वो लग चुकी है, इन्होंने ये अच्छा भाई ने सारे ग्लासों में भी डाल दिए हैं, वाह, हम तो हमेशा जग में डाल के रखते थे, और पकोड़े चार है सिर्फ, बाकी फ्रूट चाट में भाभी की तरह की तो पड़ी हैं। अरीब रोजा खुल गया, आजे बाद में देख लेना, आजे 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 जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। हाय करते हैं अपने हाथ की बनी हुई चीजें, आज इफ्तारी का मजा आ रहा है, पता चला किसी प्रो मैक्स शेफ ने बनाई है, सारी है ना, मुझे पता है ये तेल की कुएं से ही है। काका भी उठ चुका है आवाज सुन के मेरे अब्बू ने स्पेशल इफ्तारी बनाई है, गैस बहुत स्लो हो गई पता नहीं क्यों, इफ्तार के टाइम हो जाती है, बस अभी इफ्तारी शारी करते हैं, चिप्स लेके आते हैं, ठीक है। अब जो है रोजा तो इफ्तार हो गया, लेकिन अब बारी है अरीब साहब के, मेरे हाथ के बने हुए याद रखोगी क्या, मेरे हाथ के आलू खाओ, मेरे हाथ के भाभी बताएं कैसे आलू लग रहे हैं, वाह वाह, आपने बनाए सच में, हाँ जी चाची ये भी चेक करो, ये मैंने बनाए हैं, अरीब ने फ्राई किए, अब मैं हो गया, वाह फ्राई मैंने किए हैं, वैसे सैंडविच अच्छे हैं अरीब, रूह अफ़ज़ा का मीठा चेक करना है हमें, कि रूह अफ़ज़ा में मीठा कितना परफेक्ट है, ये वो बिरयानी वाला रिव्यू दूं, लाल नहीं नहीं लाल पूरा है लेकिन मीठा कम है, नहीं नहीं मजे का, फिर भी गुड एफर्ट बॉयज, गुड एफर्ट, यू डिड ग्रेट जॉब, वाओ, जितने भी मर्द हजरात बीवियां देख रही हैं उन्होंने ना अपने मर्दों को जाके वीडियो दिखानी है, उन्होंने कहना देखो उनके हस्बैंड्स उनके लिए इफ्तारी बना रहे हैं, तुसी भी किसी दिन साडा हाथ बटाओ, तो कोई नहीं भाई हाथ बटाया करें अपनी बीवियों का, अच्छा लगता है उनको। अरीब चिप्स तो देखे, अरीब क्या किया है, जितने भागते भागते गए हैं,
क्यों चुप क्यों करा रहे हो? अल्लाह माफ करे, अरे व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? सारे गोल्डन ब्राउन हो गए। ये गोल्डन नहीं है, ब्लैक ब्राउन है। सही है दिला रहा हूँ भाई। इतनी तारीफ है कि भाई ने इतने प्यार से आलू काटे थे यार। अभी देखना भाई जाके आपकी बात लगाते हैं यार। आपके लिए स्पेशल रेसिपी बनाई है, ठीक है? आपने टेस्ट कराना है, आपने भाई ने, ठीक है? सुभान अल्लाह। इसके बाद हमने डॉक्टर के जाना है। और वो देखो मेहनत भी आ गई है, वो भी आती है आपकी मेहनत। नहीं पता चला किसी को, याद ही नहीं रहा, बता दे क्योंकि अफतारी कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ जो ऑप्शन है वो हमारे पास सैंडविच ही है, तो अरीफ साहब अब वही खाने लगे हैं। अब हम भाई तसल्ली से करते हैं अपनी इफ्तारी। A few moments later, हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह कर ली थी और बहुत मजा आया। वैसे उम्मीद नहीं थी कि अरीफ और भाई इतनी मजे की इफ्तारी बनाएंगे, बट बहुत ही अच्छी बनी है। और अब जो है वो हम नमाज वगैरह पढ़ के इंशाल्लाह फिर जो है वो कल की तैयारी करेंगे। अब आप सब सोचोगे कि कल की क्या तैयारी है, अभी अरीफ साहब से जाके मैं पूछती हूँ ना कि कल की इन्होंने कोई तैयारी व्यारी की है या नहीं। कल की दावत की प्रिपरेशन कर ली है? दावत आपको नहीं याद? अच्छा अफतारी करनी है कल? यस 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 यस, कल अफतारी है। तो आप लोग कमेंट में गेस करें कि हम लोगों ने कल किसकी अफतारी करनी है। कल बहुत सारे काम करने हैं। रग जो है वो फाइनली मेरे रूम का आ चुका है, वो भी आपको कल ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम है, अभी रेस्ट रेस्ट करेंगे कल की। शुक्र है ये कह दिए कल दिखाऊंगी, वरना जैसे कहा था रीप उठे रग बिछाए तरस आ गया, जितने काम करवाए इसने अफतारी बनवा बनो आ गया आज ना। कसम से मुझे इसी वजह से तरस आया कि आज आपने किचन में बहुत काम किया, तो आज आपसे घर का कोई अपने ऊपर कोई काम नहीं करवाऊंगी। किचन की कुछ चीजें बस सेट करनी थी, अपना जो पार्सल वगैरह खोलने थे नमक मिर्चों के डब्बे, वो मैंने खोल के रख लिए, वो भी आपको कल दिखाती हूँ सारी चीजें। इंशाल्लाह 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 आप लोगों से मेरी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।